नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई न्यूज इंडिया में। भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा के बयान पर सियासी गलियारों में तूफान खड़ा हो गया है। साध्वी प्रज्ञा ने हेमंत को निशाना बनाते हुए कहा कि मैंने उसे कहा था तेरा सर्वनाश होगा, उसने मुझे गालियां दी थी। जिस दिन मैं गई तो उसके यहाँ सूतक लगा था और जब उसे आतंकवादियों ने मारा तो सूतक खत्म हुआ। साध्वी प्रज्ञा के बयान आने के बाद कई नेताओं ने काफी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तंज कसते हुए कहा कि केवल भाजपा ही 26/11 के शहीद हेमंत करकरे को देशद्रोही घोषित करने का जुर्म कर सकते हैं। ये देश के हर सैनिक का अपमान है जो आतंकवाद से लड़ते हुए भारत माँ के लिए प्राणों की कुर्बानी देता है। उनका कहना है कि बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए और प्रज्ञा पर कार्रवाई करनी चाहिए। उधर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि शहीद हेमंत करकरे की शहादत का अपमान करने वाली प्रज्ञा है भाजपा की प्रत्याशी। कहाँ है मोदी जी, शहीद के नाम पर वोट मांगते हैं और अपमान करने वाले को टिकट देते हैं। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस मामले की निंदा की है। आम आदमी पार्टी के नेता और कवि कुमार विश्वास ने भी इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मुंबई आतंकी हमले में आतंकवादियों से सीधे भिड़ने वाले शहीद हेमंत करकरे के बलिदान को उसके कर्मों की सजा बता रही हैं भोपाल प्रत्याशी, और जो मंच पर बैठे हैं वो एक चुनावी हार जीत के लिए बेशर्मी से ताली बजा रहे हैं। देश के लिए वर्दी में शहीद हो चुके एक सिपाही के साथ ये सलूक। आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा को भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से मैदान में उतारा है। यहाँ उनका मुकाबला कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ होगा। साध्वी प्रज्ञा ने अपनी एक चुनावी सभा में खुद के साथ हुई ज्यादती का जिक्र करते हुए कहा था कि हेमंत करकरे ने उन्हें गलत तरीके से फंसाया है। प्रज्ञा सिंह की टिप्पणी पर कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि सेना तथा शहीदों को लेकर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। हेमंत करकरे जी ईमानदार हैं और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे जो एक आतंकवादी हमले के दौरान मुंबई के लोगों के लिए शहीद हो गए थे। अब देखना यह होगा कि साध्वी के इस बयान पर उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहें आई न्यूज़ इंडिया से। धन्यवाद।